गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी में, कल कहाँ पे पढ़ा था मैं? कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये तीन, ये चारों क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया और इनका मैंने डेफिनेशन आपको कल बताया था कि सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा किसको बोलते हैं और विशेषण किसको बोलते हैं। तो इन चारों का कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि इनको संज्ञा किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, क्रिया किसको बोलते हैं और विशेषण किसको बोलते हैं। तो कल मैंने आपको ये चीजें इनकी जो है डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। तो आज हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स, संज्ञा के कितने पार्ट है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है और क्रिया कितने प्रकार का होता है और विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा कि सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके। तो ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे, ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा। तो कल हम फिर जो इसके पार्ट्स होंगे उनको मैं आपको डिफाइन बताऊंगा, उनमें क्या होता है, किस तरह से उन्हें पहचाना जाता है, उनमें कौन से सेंटेंस आते हैं, उसमें कौन से वाक्य आते हैं, तो मैं कल आपको फर्दर बताऊंगा। फिलहाल आज आपको इन चार क्वेश्चनों के टाइप्स जानने होंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चीज मैं आपको आज बता दूंगा। तो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे सारा ग्रामर टिका होता है। तो अगर आप ये ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो ये लैंग्वेज आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर एक एसेंशियल चीज है। तो इस ग्रामर पे आपको फोकस करना है, क्योंकि बिना ग्रामर के आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, जो जो चीज यहाँ पे बताई जाएगी इस पे खास ध्यान देना है और इसको लिखना है, आपने नोट करना है, क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत काम आएगी और आपका एग्जाम में भी काम आएगा। एग्जाम तो होता ही है, पर ये आपके उसके आगे भी काम आएगा, क्योंकि इंसान भूल जाता है कहीं कहीं। तो एक अच्छा नोट बनाना है, वो नोट आपको यहाँ से भी मिलेंगे, तो वो फर्दर आपको मिलेंगे यहाँ से, स्कूल से भी। पर फिलहाल आपको ध्यान देना है, हर एक पॉइंट पे बारीकी से ध्यान देना है, ताकि आपको ये सारी चीज समझ आ सके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन उसके टाइप्स होते हैं, वैसे ही नाउन संज्ञा को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, अब इसका आंसर क्या है, संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला जो है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो पहला टाइप है इसका वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा टाइप जो है इसका वो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो है, लास्ट थर्ड जो है वो है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा में भी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के संज्ञा होती है, यहाँ की नाउन के तीन टाइप्स हैं। तो ये वैसे ही यहाँ पे संज्ञा के तीन टाइप्स हैं, पहला टाइप क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो ये तीन इसके टाइप्स हैं, ये आपको जानना है, आपको याद रखना है। मैं इसीलिए आपको कम कम बताता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से इसको याद रख सकें। तो ये तीन टाइप्स हैं संज्ञा की, कौन कौन सा टाइप है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के तीन टाइप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है। तो अब वो हम आगे पढ़ेंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, इसकी भी थ्री फॉर्म्स है, जो सर्वनाम है इसकी भी तीन फॉर्म्स है। जैसे हम बताएंगे इंग्लिश में प्रोनाउन की कितनी फॉर्म्स है, तो थ्री फॉर्म्स है, वैसे ही यहाँ पे सर्वनाम की थ्री फॉर्म्स आएंगी। तो अब सबसे पहली फॉर्म क्या है,
पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के तीन फॉर्म्स हैं, प्रोनाउन के तीन फॉर्म्स हैं, टाइप्स भी कहेंगे या इनको हिंदी में भेद भी कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं वैसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है वैसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्म्स होती है सर्वनाम की जो मैंने आज आपको बताई है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे हम, क्रिया। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, तो वर्ब कितने प्रकार का होता है, वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, तो वो आप हम आगे, अब है यहाँ पे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आएगा, क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसकी जो फॉर्म्स है वो कितनी है, दो है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये क्रिया की दो फॉर्म्स हैं। वर्ब की दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये दो फॉर्म्स आती हैं क्रिया की, जिसकी वर्ब की दो फॉर्म्स हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ बताया है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, जो आपका चौथा क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने कल आपको बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं, अब उसका क्या आएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के कितने भेद हैं, वो भी लिख सकते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम आगे इसका आंसर जो लिखेंगे, विशेषण मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। विशेषण के, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो विशेष एडजेक्टिव्स की कितनी फॉर्म्स हैं, इसकी चार फॉर्म्स हैं। कितनी फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव की? चार फॉर्म्स। तो ये चार फॉर्म्स में आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और जो चौथा है वो है सर्वनामक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा जो है परिणामवाचक विशेषण, और जो चौथा है वह है सर्वनामक विशेषण। तो ये इसकी जो है चार फॉर्म्स है। जैसे हम लिखते हैं एडजेक्टिव की कितनी फॉर्म्स है, वैसे हिंदी में आएगा विशेषण के कितने प्रकार होते हैं या विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मेनली जो है वो चार प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामक विशेषण। तो ये मैंने आपको ये चार क्वेश्चन बताए हैं। आज मैंने आपको एक नाउन का बताया, नाउन की कितनी फॉर्म्स हैं, प्रोनाउन की कितनी फॉर्म्स हैं, और उसके बाद आता है वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं और एडजेक्टिव्स की कितनी फॉर्म्स हैं। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं, संज्ञा को, सर्वनाम को प्रोनाउन, और क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, और जो विशेषण है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये उसकी फॉर्म्स हैं। अब जो है फॉर्म्स का नाम, फॉर्म्स डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स में एक्चुअली में क्या क्या बताया गया है, कैसे हमने सेंटेंस को लेना है, कैसे सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंस उसमें आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको जनरल आज बताया कि कितनी फॉर्म्स होंगी इसकी, तो इन फॉर्म्स को आपको याद रखना है, क्योंकि मेन आपका यही है, मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी लैंग्वेज का वो होता है ग्रामर। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो बाकी कल मैं आपको टॉपिक आगे ले जाऊँगा, इसमें आपकी फॉर्म्स आपको बताऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।